गुड़गांव के कुख्यात गैंगस्टर संदीप गरोले एनकाउंटर मामले में गुड़गांव पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रद्युम्न गिरफ्तार, मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम ने किया गिरफ्तार। हरियाणा के गोहाना में हॉरर किलिंग मामले में पुलिस ने लड़की के मां बाप और बड़ी बहन को किया गिरफ्तार, दूसरी जाति के लड़के से प्रेम के चलते परिवार ने डंडों से पीट कर किया था कत्ल। एक कत्था फैक्ट्री में गैस रिसाव से तीन मजदूरों की मौत, मालिक के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में द्वारका में पंखे से लटक कर एक महिला ने की खुदकुशी, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली में महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोप है कि शख्स ने करीब 1500 महिलाओं को मैसेज किया। सिंगर मीका सिंह के घर की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने, सीसीटीवी में मीका के घर में खिड़की से अंदर जा रही है फैशन डिजाइनर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बस ड्राइवर को कुछ लड़कों ने जमकर की धुनाई, ड्राइवर ने 20 सड़क में इन लड़कों को हटने के लिए बजाया था हॉर्न, ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से सटे नोएडा में वाहन चोर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 15 बाइक 10 स्पोर्ट्स साइकिल बरामद, अब तक कर चुके हैं करीब 1000 साइकिलों की चोरी। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाने से तीसरी बार भागा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह, एमपी राजस्थान और दिल्ली में वाहन चोरी की कई वारदातों को दे चुका है अंजाम, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी निलंबित। यूपी के अमरोहा में 13 देसी तमंचों के साथ 2 लोग गिरफ्तार, एक गांव में चल रही थी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री। यूपी के रामपुर में दबंगों ने एक नाबालिग लड़की से रेप के बाद उसके घर वालों से की मारपीट, एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बिजनौर में एक ही गांव के 3 लोगों पर 2 महिलाओं से रेप का आरोप, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, बगीचे के आम तोड़ने पर चौकीदार और ठेकेदार ने बच्चे को पीट पीट कर मारा। यूपी के मिर्जापुर में बदमाशों का आतंक, बैंक कैशियर को गोली मार, बाइक और बैग लूट कर फरार हुए बदमाश, कैशियर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के जौनपुर में युवाओं को अगवा कर खून निकालने का मामला आया सामने, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में पुलिस की संवेदनहीनता, जिला अस्पताल में महिला मरीज का पर्स चोरी कर भाग रहे बदमाश की जमकर की पिटाई। कन्नौज में चलती ऑटो में छेड़खानी करने वाले मंझले की युवती ने की जमकर धुनाई, बाद में भीड़ ने भी किया हाथ साफ। लखीमपुर खीरी में आपसी विवाद में एसपी नेता के रिश्तेदार ने की फायरिंग, फायरिंग में 4 लोग घायल। गाजियाबाद में साहिबाबाद स्टेशन पर मालगाड़ी का वैगन लीकेज होने से तेल का रिसाव, तेल लूटने के लिए मची होड़। मथुरा के सौसा गांव में दूषित पानी पीने से 100 लोग बीमार, गांव में मचा कोहरा। मेरठ में एक इंस्पेक्टर के बेटे की गोली मारकर हत्या, मदद के लिए आए होमगार्ड जवान को भी बदमाशों ने मारी गोली। शाहजहांपुर में सहकारी संघ के कर्मचारी की संदिग्ध मौत पर बवाल, पुराने दफ्तर में फांसी से लटका मिला था शव। मथुरा जंक्शन पर मालगाड़ी के 3 पहिए पटरी से उतरे, रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक खाली कराया। मध्य प्रदेश में रीवा के पूर्वा वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए 5 लड़के फंसे, 4 को बचाया गया, 1 लापता। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस की बेरहमी आई सामने, मंगलवार थाने में 2 युवकों के नंगे बदन पर पट्टों से की पिटाई। गया के गंगापुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 8 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल, गांव में बसरा मातम। समस्तीपुर में इलाज के नाम पर मरीज पर जुल्म, दाढ़ी पीकर बीमार हुए शख्स का हाथ पैर बांधकर किया इलाज। पटना में कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सिंह के घर से उनकी बोलेरो गाड़ी लेकर फरार हुए चोर, पुलिस ने दर्ज किया मामला। सीतामढ़ी में अपराध की बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे 6 बदमाश गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। कैमूर में सुवरा नदी में उफान से पुल के ऊपर से बह रहा पानी, भगवानपुर प्रखंड का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। समस्तीपुर के दलसिंहसराय में एक सरपंच का तुगलकी फरमान, एक शख्स को दी जमीन पर थूक कर चाटने की सजा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल, हाजीपुर सदर अस्पताल में पूरी तरह घायल मरीज को पटना रेफर करने के बाद फौरन अस्पताल के बाहर किया। मधुबनी में दिव्यांग पैदा हुई बच्ची को अस्पताल में छोड़कर फरार हुई मां, अभी अस्पताल के देखरेख में। मधुबनी के रोहिका में एक घर में काम करने वाली 13 साल की नाबालिग लड़की से यौन शोषण, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पटना में एक गाड़ी से 120 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद, गाड़ी पर प्रेस का स्टीकर, कार मालिक की हुई पहचान।
बाड़मेर में नगर परिषद की बैठक में हंगामा, पार्षदों ने सभापति और आयुक्त को जमकर सुनाई खरी खोटी। कोटा में एक और छात्र की खुदकुशी से हड़कंप, भागलपुर के रहने वाले छात्र निखिल नयन का उसके कमरे के बाथरूम में शावर से लटका मिला शव। धौलपुर में गाड़ी खड़ी करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस और फौजी में मारपीट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीकानेर में एक दुकान में सेंध मारी कर लाखों का माल ले उड़े चोर, पुलिस को अब तक नहीं मिला सुराग। बाड़मेर में एक युवक ने डीएम दफ्तर में की खुदकुशी की कोशिश, खेत के रास्ते को लेकर विवाद में कार्रवाई नहीं होने से नाराज। झालावाड़ में 13 साल पुराने मारपीट के केस में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीना को 2 साल की सजा, कोर्ट ने 7,000 का जुर्माना भी ठोका। अलवर में एटीएम को निशाना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क के पास जंगल में एक बाघ का शव मिलने से हड़कंप, वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया। हिमाचल के ऊना में एक डॉक्टर ने पत्नी को गोली मारकर खुद को भी मारी गोली, डॉक्टर की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के काफिले की गाड़ी आपस में टकराई, कई सुरक्षाकर्मी घायल। कट्टी के परखुड़ी गांव में एक परिवार के 3 लोगों के धारदार हथियार से हत्या, पिता और उसके 2 बच्चों की मौत, अस्पताल में भर्ती पत्नी की हालत गंभीर। ग्वालियर में पुलिस की किरकिरी, थाने में दीवार तोड़कर फरार हुए प्रदीप राठौर गैंग के 5 शातिर बदमाश, तीसरी बार पुलिस को चकमा देकर भागे 3 पुलिस वाले सस्पेक्ट। खरगोन की अदालत में चल रहे तलाक के एक केस में कोर्ट की अनोखी पहल से पति के साथ रहने को राजी हुई महिला, जज के कहने पर पति से मनपसंद साड़ी मिलने पर दूर हुई नाराजगी। ग्वालियर में 8 दिन पहले अगवा मासूम का गटर में मिला शव, फिरौती के लिए 3 युवकों ने किया कत्ल, सभी आरोपी गिरफ्तार। नरसिंहपुर में जननी सुरक्षा योजना की खुली पोल, फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर पड़ोस की महिला ने रक्षा चलाकर गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल। यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में दिव्यांग लड़की से रेप की सनसनीखेज वारदात, पीड़ित को इमरजेंसी रूम ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ तरिंदा। फरीदाबाद में 10 साल की मासूम से गैंग रेप, पड़ोस के 2 नाबालिग लड़कों पर लगा आरोप। जींद में एक शराब ठेकेदार की गोली से भूनकर हत्या, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। भिवानी में पंचायत का तुगलकी फरमान, 4 साल पुराने मामले में पंचों का फैसला नहीं मानने पर 5 परिवारों का हुक्का पानी बंद। अमृतसर के खलशिया में एचडीएफसी बैंक का एटीएम तोड़कर 19 लाख रुपए ले उड़े चोर, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 1971 के जंग के दौरान पाकिस्तानी जेलों में बंद लोगों की रिहाई के लिए मोगा में परिजनों ने निकाला कैंडल मार्च, 15 अगस्त गोवा का बॉर्डर बंद करने की धमकी। बठिंडा में नौकरी की मांग को लेकर टीईटी पास टीचर का पानी की टंकी पर चढ़कर ड्रामा, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा। फिरोजपुर कैंट में जुआ खेलते 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े, लाखों की नकदी भी बरामद, आरोपियों में 2 बिजली बोर्ड का अधिकारी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान के खिलाफ अमृतसर में दर्ज हुआ मामला, खेतान पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप। सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट के बाद पठानकोट में हाई अलर्ट, जम्मू कश्मीर से सटे सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। त्रिपुरा के बेलोनिया में चलती बस में आदिवासी महिला से रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हैदराबाद के एक अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से 13 लोगों की गई आंखों की रोशनी, सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी। बैंगलोर में 1800 छात्रों का भविष्य खतरे में, 4 सरकारी स्कूल और 1 कॉलेज की जमीन पर रक्षा विभाग ने ठोका दावा। तमिलनाडु में 97 साल की बुजुर्ग महिला अलग अलग योग आसन कर सभी को चौंकाया, बच्चों को भी दे रही है ट्रेनिंग। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स देशों के कार्यकारी समूह की बैठक खत्म, भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल ने लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश के सतना में बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, घरों में पानी घुस गया है, लोग कमर तक पानी में डूब कर आ जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने निगम की पोल खोलकर रख दी है, सड़कें तालाब बन गई हैं। उत्तराखंड के मुकुट पर्वत से सामने आई एवलांच की तस्वीर, पिछले महीने एक्सपेडिशन करने गए पर्वतारोहियों के दल ने कैमरे में कैद की थी तस्वीर। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्नोफॉल कम होने और भारी बरसात की वजह से ऐसा हुआ। कोयम्बटूर के बोलुवमपट्टी में एक हथनी की रहस्यमय बीमारी से मौत, 28 घंटे तक अपनी मां के पास बैठा रहा हाथी का बच्चा। यूपी के गोंडा में मंडराया बाढ़ का खतरा, घाघरा और सरयू नदी उफान पर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। अमरोहा में भारी बारिश में नदी पर बना पुल तेज धार में बहा, 20 गांवों का शहर से टूटा संपर्क।
यूपी के फिरोजाबाद में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जिला अस्पताल तालाब में तब्दील। देवरिया में कई गांवों में कटान का खतरा, पत्थर और रेत की जगह बोरे में मिट्टी भरकर कटान रोकने की कोशिश। असम में हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़, लखीमपुर समेत चार जिलों के 187 गांव प्रभावित। तीन दिनों से हो रही बारिश से चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में उफान, घाट किनारे मंदिरों में भरा पानी, दुकानें जलमग्न। नैनीताल के नारायण नगर गांव में बाढ़ से 300 घरों को खतरा, घरों में पानी और मलबा घुसने के बाद पलायन करने पर मजबूर ग्रामीण। इलाहाबाद में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, ईदगाह मैदान में चारों ओर भरा पानी। बिहार में बरौनी जंक्शन पर गंगा सागर एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में शराब बरामद, कई ट्रेनों में हुई थी छापेमारी। बिहार के सीतामढ़ी में सड़क किनारे नवजात को छोड़ फरार हुई मां, आशा कार्यकर्ताओं ने बच्ची को लिया गोद। झारखंड के धनबाद में डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह पर इंजीनियर से 2 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप, विरोध में हड़ताल पर गए नगर निगम के कर्मचारी। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में एक शख्स ने घर में सो रही पत्नी की गला दबाकर हत्या की, मासूम बेटे को पत्नी के शव के पास छोड़कर फरार हुआ। दिल्ली के नरेला में 1 करोड़ रंगदारी देने पर दाल व्यापारी पर फायरिंग, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। भोपाल में पुलिसकर्मियों ने एक अखबार के पत्रकार को सिमी का आतंकी बताकर जमकर पीटा और एनकाउंटर करने की धमकी दी, तीनों पुलिसकर्मी निलंबित। देवघर में इस बार श्रावण मेले को लेकर सुरक्षा की कड़ी तैयारी, ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी नजर। जयपुर में एक होटल में फॉल्स सीलिंग गिरने से 3 लोगों की मौत, हादसे में 29 लोग घायल। हरिद्वार में गंगा की उफनती धारा में स्टंट का वीडियो सामने आया, बनाने वाला एक शख्स को महंगा पड़ा, पानी में तेज करंट में बहा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक युवक का पुल से नर्मदा में छलांग लगाने का वीडियो हुआ वायरल, युवक का नहीं चला कोई पता। दिल्ली के कोहाट एनक्लेव मेट्रो स्टेशन के पास तड़के एक इमारत में आग से अफरातफरी, कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। असम के बोगई गांव में तेंदुए के आतंक से लोगों को मिली निजात, कई घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने पिंजरे में किया कैद। पीएम मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे मोजाम्बिक, 4 अफ्रीकी देशों मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और कीनिया की 5 दिन की यात्रा पर है प्रधानमंत्री। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पर अली अनवर की सफाई, कहा मैंने कोई गलत बयानी नहीं की। नमामि गंगे की 300 परियोजनाएं आज 5 राज्यों में एक साथ होंगी लॉन्च, नितिन गडकरी और उमा भारती। घूसखोरी केस में फंसे केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को उनके पद से किया गया सस्पेंड। अब मुश्किल में फंसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान, पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना पवित्र ग्रंथ से करने पर अमृतसर में FIR दर्ज। देशभर में मनाया जा रहा है आज ईद का त्यौहार, दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में बड़ी तादाद में जुटे नमाजी। भोपाल में भी ईद का जबरदस्त उत्साह, ईदगाह मैदान पर बड़ी तादाद में जुटे नमाजी। वाघा बॉर्डर पर दिखी ईद की रौनक, आपस में गले मिले BSF जवान और पाक रेंजर्स। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिखी ईद की रौनक, पाक रेंजर्स के साथ BSF के जवानों ने मनाई ईद। पश्चिम बंगाल के फलवारी में भी बांग्लादेश सीमा पर जवानों ने मनाई ईद, बांग्लादेशी जवानों के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान।